यारी, ये सब क्या है? मालूम नहीं ये कौन लेके आए इसे? ये चिट्ठी राजेंद्र जी। अम्मा जी, ये फिल्म डायरेक्टर ने भेजा है उनकी मदद के लिए, शुक्रिया करने के लिए, उसकी मदद के वास्ते। पर अब तक अम्मा ने तो किसी से बात ही नहीं की, तो फिर ये सब ये कौन करके गया? तो फिर आसिफ की मदद किसने की? ये गुस्ताखी अपुन कियला है, वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना। अपुन का नाम अजहर एड़ा है। अपुन अभी थोड़े दिन पहले ही बंबई आया है, वो भी आपकी मदद करने के लिए। वो क्या है, अभी इस उम्र में आप इतना टेंशन ले मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सबको बोल दिया अभी फैजल से डरने की जरूरत नहीं है। अपुन आ गया है ना, अपुन सब ठीक कर देगा, सब संभाल लेगा। बस आप तो आज के बाद अपनी सारी तकलीफ अपने इस दामाद को दे दीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन दामाद? बकवास भाई, बेटी के सौर को दामाद ही तो कहते हैं ना, सासू माँ। महबूब चम्मक चल लो, जरा मुंडी उधर कर लो, नहीं तो कमती कटा लूंगा। चल उधर देख, अबे उधर देख। अम्मा जरा अपनी कठपुतलियों से कह दो थोड़ा उधर को देखे। महबूब है, है। तो अरे चम्मक चल लो, मौत के डर से उधर नहीं देखा, लेकिन अम्मा ने कह दिया तो वाह वाह वाह। ने आपको तकलीफ पहुंचाया, अब माफी मांगता है, लेकिन अब रिहाना और अपन को कोई दूर नहीं कर सकता।
इस बेजान चीज पे क्या गुस्सा निकाल रहे हो? अजहर, उससे को इस तरह खोटी मत करो, उसको पालना सीखो, एक दिन उन सबकी जिंदगी तबाह करने के काम आएगा। वो तो मैं अब भी कर सकता हूं। बैठ, मुझे फैसल के छोटे बड़े जितने भी धंधे हैं सब धंधों का लिस्ट चाहिए, किन से मिलता है, क्या करता है, सब पता कर। अरे हमें तो लगा कि तुम रिहाना की शादी का गम बना रहे होगे, किसी कोने में देवदास बने बैठे होगे, मगर तुम तो मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है, है इश्क तुमसे रिहाना, मगर इतना ज्यादा भी नहीं है। शायद तू भूल गया मैं वही हूं जिसने अपने बाप को टपकाया था। ये रोना धोना ये लड़की लोग का काम है, मर्द लोग अपने इरादे मजबूत रखते हैं और ये सब चीजों में टाइम खोटी नहीं करते। किस किस को पता था भाई? अपन सब लोगों को, आपको, मेरे को और अब अपन दोनों को पता चल गया है कि ये काम किसने किया है, और अपने को ये भी पता है कि मुकुल में इतनी ताकत नहीं है कि वो ये काम अकेला करे। पक्का उसने अपने किसी दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। तारिक, तू एक काम कर, अब उनके सारे धंधे की जगह बदल दे, और ये भी पता लगा कि बिग बॉस का बारे ले, अब उनको उनके साथ मीटिंग करने का है। इस बार हुकूमत अब उनको इच मिलने का है। ठीक है भाई, अभी तू एक बात भेजे में डाल ले, वरना मैं तेरे भेजे के सारे के सारे मैचें डाल दूंगा। आज के बाद जितने लोग भी फैजल के साथ काम कर रहे हैं ना, उन लोग को ये बोल दे कि अजहर का स्पेलिंग रट ले। जा भाई, तो सबके सबको नोच डालूंगा और भाई के आगे नाश्ते में डाल दूंगा। भाई गर्दन छोड़ोगे तो कुछ बोलू, हो गया भाई, आज ही सर्कुलर बंटवा देता हूँ कि आज से सारा काम अजहर करेंगे। आप खुश? जिंदगी भी बड़ी प्यारी चीज है। हाँ अजहर भाई, मैं तो एक कदम आगे की सोच रहा था। देखिए, अगर सैयद खान भाई की जगह पे मान लो कि अगर आप आ जाओ तो आज फैसले की घड़ी है। हम बहुत दूर से यहां आए हैं मिशन मां को अंजाम देने के लिए। यह शहर वैसे तो अम्मा का है, जो वो इसे बहुत दिनों से चला रही है, मगर अब सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। हमने ये फैसला लिया है कि जो मिशन मां को अंजाम देगा उसी के हाथों में इस शहर की बागडोर थमा दी जाएगी। मुंबई में दंगे बढ़ते जा रहे हैं, इन दंगों में जान माल का काफी नुकसान हो चुका है। मुझे तुम क्या कर रहे हो इधर? तुमको तो उधर होना चाहिए, अक्खा शहर जल रहा है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उतना काफी नहीं है अम्मा जी, हमें आपकी जरूरत है अम्मा जी। अगर आप कोशिश करें तो दंगे रोक सकते हैं।